और दोस्तों क्या हाल है। और फिर आज हम एक नया गेम देख रहे हैं और उसका नाम है लिटिल नाइटमेयर्स। लिटिल नाइटमेयर्स एक टाइप का इंडी गेम ही है, मगर ये थोड़ा सा ऊपर इसलिए है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम अटेंशन मिला है। गेम सच में अच्छा है, बहुत लोग ने वीडियो भी बनाए हैं और सबकी तरह हम भी बनाएंगे। खैर, हमें दूसरों से क्या क्या करना, अपने को तो अपन लोग तो वही करते हैं जो मतलब जो आ जाए पे पसंद। और अपना चैनल कोई इतना बहुत ऐसा भी नहीं कि लोगों ने देखा हो। तो फिर चलो, मैं इस पर ऐसे सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो फिर तुम ये रिज्यूम गेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बस एक बार दबा के देखा था, मगर और देखो मैंने बस एक सेकंड में ही मैंने पीछे कर लिया था। मगर हम करेंगे न्यू गेम और फिर इधर से ही करते हैं शुरू, देखते हैं कि गेम में क्या है कैसा है। तो ये है लिटिल नाइटमेयर्स, थोड़ा हॉरर की तरफ टिप करता है गेम, क्योंकि जो विजुअल स्टाइल है, आर्ट स्टाइल है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। अननोइंग एलिमेंट्स बहुत घूमते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर होती है और फिर वो कुछ आवाज़ कर रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ कर रही है, तो फिर वो थोड़ा सा तो डर तो हमारे मन में लेके आएगी। और फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है लिटिल नाइटमेयर्स। तो सामने कुछ लग रहा है कि कुछ है, किसी टाइप की कुछ औरत वगैरह लग रही है। हाँ, औरत है, कुछ बड़ा सा सर पे पोनी टेल है और हमारी तरफ देख रही है। तो ऐसे गेम्स यार बेसिकली रात वात में खेलो तो बहुत आता है मज़ा। अकेले बैठो, सारी लाइटें वाइटें बंद बंद करो और रात के 2 बजे ऐसे गेम गेम खेलो, बहुत मज़ा आएगा। और फिर बाद में फिर जो होगा फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं, खेलना वही तुम्हारी रिस्पॉन्स, मतलब तुम्हारी है चॉइस। तो इसके कंट्रोल्स बहुत ही आसान है, WASD से यहाँ वहाँ घूमता है और क्या बोलते हैं ये जो एरो कीज है इससे यहाँ वहाँ देख सकते हैं। और मतलब माउस का कुछ भी काम नहीं है, मैं अगर माउस हिलाता भी हूँ तो फिर कुछ नहीं होता है। एंटर से अपन कोई भी चीज़ उठा सकते हैं और फिर जैसे ही हम एंटर अगर छोड़े तो फिर वो छोड़ देगी। और फिर एफ से आता है लाइटर, तो उससे ये लाइट सोर्स की तरह करता है काम, बढ़िया है। तो मैंने उसको ये क्यों बोला कि करता करती है, क्योंकि बोला पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो फीमेल होगी शायद। ठीक है, फिर और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे आया है काम की, अरे बाप रे एकदम अंधेरा हो गया। तो और किधर रास्ता नहीं है, मतलब इधर से होगा। एंटर से होल्ड होल्ड ऑन अगर कोई चीज़ कर सकते हैं तो, जैसे कि ये कर सकते हैं कि होल्ड ऑन नहीं, मुझे लगा था इधर से होगा। खैर, यही दिक्कत है इस टाइप की गेम में कि मतलब हमें ऐसे सब कुछ मालूम नहीं होता, तो इसमें टाइम थोड़ा सा वो होता है। यहाँ है क्या पीछे कुछ, उससे उधर से ही जाना जाना था शायद। नहीं, और क्या ये खुलना है क्या, कुछ हुआ क्या। एफ, ठीक है भाई खुल गया ये। और क्राउच करना है शायद और फिर जाएंगे अंदर, बहुत बढ़िया। और यहाँ से शायद चढ़ने का होगा, कुछ दिख ही नहीं नहीं रहा है। तो यही थोड़ा सा ओमनी स्टोन गेम में करता है क्रिएट, मतलब जब हमें कुछ मतलब अगर पता ना चल रहा हो कि आगे क्या है और थोड़ा सा डार्कनेस वगैरह हो, तो फिर गेम का एकदम से लेवल बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप की सीढ़ियाँ है और मुझे ऐसा भी लगा है कि हम बहुत छोटे हैं, हम मिनिएचर वाले हैं, क्योंकि गेम का नाम भी वही है लिटिल नाइटमेयर। और फिर देखो वो जो पीछे जो दिख रहा है पीछे, मेरे हिसाब से वो चेन है वो, नहीं तो फिर इसलिए मतलब ऐसा कुछ लग रहा था। तो इस तरफ है क्या कुछ, आगे यहाँ कुछ है क्या। मैंने कुछ उठा लिया और पता नहीं बस लेके चल लिया हो, दिख तो रहा कुछ है नहीं। और क्राउच करके नीचे से यहाँ वापस जाएंगे इस तरफ, और मैं ये क्यों लेके आया पता नहीं, बस लेके लेके आ गया। यहाँ ऊपर कुछ है नहीं, लाइटर ही लगाओ यार, उसके बिना कुछ दिख नहीं रहा है। और
यार मतलब दिखने में गेम कितना बढ़िया लगता है, कुछ जैसे स्टेज टाइप है, और स्टेज के एक तरफ हमें जो सब कुछ देख रहा है, और फिर दूसरी तरफ कुछ प्ले वगैरह चल रहा है। बढ़िया है बहुत। तो अभी तक तो बहुत ही आसान है। वहाँ पहुँचना है, और कैसे F बंद करके वहाँ ही कूदना है ना, है ना। और बहुत बढ़िया, अभी तक तो आसान चल रहा है, ज़्यादा अभी कुछ हुआ नहीं। और फिर ये भाई, ये है ये सीन जो हमें बता रहा है कि ये गेम में क्या है। तो कुर्सी बहुत ज़्यादा ही छोटी है, और फिर वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर टंगा हुआ है। तो गेम मतलब कि ये बच्चों के फ्रेंडली है नहीं, मतलब समझ लो कि गेम की टोन क्या है। अगर तुम अंडर एज हो तो फिर तुम्हें शायद ये गेम नहीं देखनी चाहिए। और अरे वाह, मतलब जो सुसाइड वाले बंदे हैं, बंदा है उसकी शेर यूज़ करेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ से ऐसे करेंगे और इस तरफ से फिर देंगे धक्का, थोड़ा सा इस तरफ से। तो इसके कंट्रोल्स यूज़ करने में थोड़े से आसान है, अच्छा है। और नहीं जा रहा उस तरफ क्योंकि कोई लेज से टकरा गया है, और फिर अब शायद से हो जाएगा, खुल जाएगा गेट। पहले हाथ नहीं पड़ रहा था, तो मतलब ये एक टाइप का क्या बोलते से, इसी टाइप का गेम है, क्या बोलते से, पजल वाला। और इंडी गेम ज़्यादातर मैंने देखा कि पज़ल को ही चूज़ करते हैं, पज़ल पे गेम बनाना, क्योंकि अगर एक स्मॉल स्टूडियो कर रहा है काम किसी इस पे, तो यहाँ से रास्ता नहीं है। इधर भी कुछ सरका के लेके आना है क्या, कहाँ से रास्ता है। जब इंडी गेम्स अगर इंडी स्टूडियोज़ अगर कुछ ऐसे बनाते हैं तो वो ज़्यादातर मतलब इसी टाइप की चीज़ें बनाते हैं। इधर कुछ लगता है, इधर आगे, इससे इसे हिलाना है क्या, यहाँ से कुछ चढ़ा के ऊपर वो, यहाँ कुछ नहीं है। फ्रिज खुलता होगा क्या, तो लाइटर बंद करना पड़ता है बार बार बार। अच्छा फ्रिज खुलता है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो क्या ये इस पे से चढ़ से, बहुत ही बढ़िया है, वाह वाह। चलो तो हम इस सीरीज़ में हम मैक्सिमम लेंथ जैसे हमने जर्नी में किया, इसमें भी हम 10 मिनट्स रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। मेरे तो हिसाब से पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि गेम की लेंथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, ये जर्नी इतना छोटा नहीं होगा। और फिर ये ले जाए एकदम से, अच्छा हुआ भाई को कूद गए सही टाइम पे। तो मैंने देखा है ये गेम में विलन है ना, ऐसे मतलब मुझे पक्का नहीं नहीं पता है, मगर ये जो है ये है विलन। ये जो स्लग्स है छोटे छोटे, ये खून चूस लेंगे पूरा, तो इनसे बच के रहना जब तुम लोग खेलो तो। और यहाँ पे रास्ता बंद है, तो अभी तो भाई सिंपल ही लग रहा है। देखो ये इससे बस जाना है और फिर इसको खींचना है, तो ये खुल गया। और यहाँ आ गए हैं और जंप, अरे बाप रे, अरे शिट, अरे सही जगह से जंप नहीं किया, तो मतलब मरते मरते भी है। खैर अच्छा है कुछ लाइफ टाइप वाल नहीं है कि लाइफ वगैरह है और फिर इतने लाइफ करो वरना गए। और ये कर लिया फिर से, बच गए। और आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आगे, ये स्लग से बच के रहना है, इतना मुझे बताया है लोगों ने, और मतलब मैंने भी ऑफ कोर्स थोड़े तो वीडियो देखे हैं ये। और ज़्यादा जल्दी नहीं, आराम से कूदेंगे। बढ़िया भाई, मुझे फिर से लगा गिरने वाला क्योंकि उसका पैर एकदम वो हो गया था। तो यहाँ से शायद ऊपर जाना होगा, नहीं ठीक है, फिर यहाँ से फिर कैसे जाएंगे ऊपर। अच्छा ये कुछ, अरे वाह बढ़िया। चलो ठीक है। अरे ये क्या है, ओह शिट, ये कहाँ गिर गए। अरे बाप रे, ये कहाँ आ गए भाई। हाँ बच गए। और मैं
खुद इतना इतना आगे तक पहली वीडियो में आ जाऊंगा मुझे पता था नहीं। ठीक है, तो हम किसी तरह इस तरफ आ गए हैं और फिर उस तरफ सारे वो स्लग स्लग्स थे। एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या हो गया, मगर मुझे याद है कि शिफ्ट से वो ये भागता भी है। तो फिर ये था यार लिटिल नाइटमेयर्स। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसे तुम लाइक कर सकते हो, अगर तुम्हें चैनल पसंद हो तो तुम इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और फिर हम इसी टाइप की वीडियोज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। और फिर तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।